हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेट से स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड बनाना सीखेंगे, यानी गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं 256 है, 400 है और यहां 250 है। इनका क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें का क्या देखा जाता है? तो फ्रेंड्स, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? 6 है। तो जब भी 0, 2, 4, 6, 8 इतना रहे इकाई के स्थान पे तो ये 2 से कटता है। तो 6 है तो ये हमारा 2 से कटेगा। कितना बार? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 और 6 16, 2 8 16, यानी 128 बार में। फिर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 आया है तो फिर ये हमारा कितना से कटेगा? 2 से। तो 2 से 1 नहीं जाएगा तो 2 को ले जाएंगे 12 को। तो 12 2 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। यहाँ है 8, तो 2 से 8 कितना बार? 4 बार। अब इसके आगे यहाँ इकाई के स्थान पे 4 है तो ये फिर 2 से कटेगा। 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर इसको जब 2 से कटाएंगे, फ्रेंड्स इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 से कटेगा। तो 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 1 2 12 2 6 12। अब इसके बाद फिर 2 से कटाएंगे यहाँ पे तो 2 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। फिर यहाँ 2 से कटाएंगे तो हमारा 4 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे तो 2। फ्रेंड्स, इस 2 को यहाँ से यहाँ ला देंगे तो 2 एकम 2। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख सकते हैं 256 बराबर कितने बार 2 है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्या है फ्रेंड्स? 400। तो इसी यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, यानी कि ये कितना से कटेगा? 2 से। तो 2 से 4 2 बार में, 0 है तो 0 से 0 कटता है। अगला क्या है? 2 से, क्योंकि फिर 0 है यहाँ पे, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार? 2 एकम 2। अभी 100 बार में कट गया है, यानी कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 0 आया, फिर ये 2 से कटेगा। तो 2 से कितना बार में? 2 5 10, 0 उतर जाएगा। अगला, फिर यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो 2 से फिर कटेगा। तो 2 से कटेगा कितना बार में? 25। अब फ्रेंड्स, इकाई के स्थान पे 5। तो फ्रेंड्स, जब भी इकाई के स्थान पे 5 और 0 हो तो कितना से कटता है? 5 से। तो 5 से 25 5 बार में कटेगा। फिर 5 से इसको कटाएंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 5। अब फ्रेंड्स, यहाँ से 400 बराबर में 2 कितने बार है? तो 1 2 3 4, 4 बार। तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 5 कितने बार है? 2 बार। तो 2 बार 5 लिखेंगे, 1 और फिर 1 2, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला हमारा क्या है? तो अगला है यहाँ पे फ्रेंड्स 250। तो 0 है इकाई के स्थान पे, यानी कि ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 1 आएगा और 0, 1 पर 0 10, तो 2 5 10, 5 बार में। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 आया तो इकाई के स्थान पे 0 और 5 हो तो 5 से कट जाता है। तो 5 है तो 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना बचा? 2 और 5 25, तो 50 25, और फिर ये 5 से कटेगा। तो 5 से कितना बार? 5 बार कटेगा, और फिर 5 से इस 5 को कटा देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से 250, 250 बराबर कितना? 1 बार 2 है, और 5 कितने बार है? 3 बार। तो 5 3 बार हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही क्या हो जाएगा?
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।